यदि आप भी अपने बालों को काला घना लंबा बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों को काला घना लंबा बना सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेयर सॉल्यूशन में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बालों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीके हर कोई अपने बालों की देखभाल के लिए करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले घने व लंबे हों। वही बाल आपकी पर्सनालिटी को भी आकर्षक बनाते हैं। कुछ लोग जहां बालों की देखभाल करते हैं, वही लोग केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं, जिससे बालों को काफी नुकसान हो सकता है। और इन केमिकल युक्त उत्पादों की वजह से बालों की झड़ने की समस्या बढ़ने लगती है। तो हम आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिन्हें अपना करके आप अपने बालों को काला घना लंबा बना सकती हैं, तथा हेयर फॉल की समस्या से भी छुटकारा पा सकती हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला उपाय यह है कि त्रिफला। त्रिफला चूर्ण का उपयोग बालों को मजबूत बनाने और मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। नारियल के साथ मिला करके अपने बालों में लगाएं, या फिर आप अपने आहार में भी शामिल कर सकते हैं। आपके बालों का स्वास्थ्य भी आपके आहार पर निर्भर करता है। वहीं अगर आप अपने आहार में त्रिफला चूर्ण को शामिल करते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं। यह आपके बालों के लिए बेहद ही लाभदायक होगा। दूसरा उपाय यह है कि मुल्तानी मिट्टी और दही। मुल्तानी मिट्टी और दही बालों को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। मुल्तानी मिट्टी को किसी बर्तन में डाल करके उसमें दही मिलाएं और इसमें धीरे धीरे पानी डालें और साथ ही साथ अच्छे से मिलाएं। ऐसा तब तक करें जब तक यह पतला सा पेस्ट न बन जाए। अब इसे हाथों की उंगलियों या ब्रश की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लगाकर रहने दें। फिर अपने सिर को धो लें। इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे एवं आपके बाल काले घने और चमकदार दिखने लगेंगे। तीसरा उपाय यह है कि बादाम का तेल और केला। बादाम का तेल और केला बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप बादाम और केलों को मिलाकर के हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके बालों को घना मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए आप पके हुए केले को ले लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और बादाम का तेल डाल करके अच्छे से दोनों को मिक्स करें और फिर इसे अपने बालों में आधे घंटे तक लगाकर ऐसे ही रहने दें। आधे घंटे बाद आप शैम्पू कर लें। ये हेयर मास्क आपके बालों को पोषण देने के साथ साथ आपके बालों को चमकदार और घना भी बनाएगा। चौथा उपाय यह है कि पुदीने का तेल। यह तेल बालों को ठंडक प्रदान करता है और इसे लगाने से आपके बालों में हल्की सी झुनझुनी और ठंड महसूस होगा। यह बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इस तेल से अपने बालों के स्कैल्प की मसाज करें और आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगाकर रहने दें और फिर बाद में शैम्पू व कंडीशनर से अपने बाल को धो लें। यह आपके बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। पांचवा उपाय यह है कि हीना। हीना की पत्तियों को तोड़ करके उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और 2 घंटे के लिए ऐसे ही लगाकर रहने दें और सूखने के बाद आप अपने बालों को धो लें और फिर आधे घंटे के बाद आप शैम्पू कर लें। छठा उपाय यह है कि तुरई। तुरई का सेवन हमें बहुत सी बीमारियों को बचाने से मदद करता है, साथ ही बालों को काला और घना बनाने में भी मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए तुरई के आप छोटे छोटे टुकड़े काट लें और धूप में सुखा लें और फिर इसे कूट लें। कूटने के बाद नारियल के तेल में 7 दिन डाल करके आप इसे रख लें। 7 दिन पूरा होने के बाद आप इस तेल को छान लें। इस तेल को सप्ताह में 2 दिन लगाने से बाल काले और घने हो जाएंगे। इस तेल से आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा, जिससे बाल टूटने और झड़ने जैसी समस्या खत्म हो जाएगी और बाल काले घने लंबे दिखने लगेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।